दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो हाजिर हैं आप सभी के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बजाज मैक्सिमा ऑटो के वापसी पैप में मोबाइल क्यों आता है और उसकी समस्या को जो है आज हम दूर करके दिखाने वाले हैं आपको। ये देख सकते हैं बजाज मैक्सिमा गाड़ी के वापसी पैप में इसके मोबाइल आ रहा है इस तरीके से, और आपकी गाड़ी में भी मोबाइल आता है वापसी पैप में, तो इसको जो है आप खुद से बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो है पहले हम टैबिट कवर खोल लेंगे ये वाला। तो चलिए दोस्तों टैबिट कवर खोल लेते हैं अभी हम लोग। दोस्तों हमने जो है वापसी पैप जो है भी उतार दिया है टैबिट कवर पे से। अब इसके जो है टैबिट कवर के बोर्ड खोल लेंगे 12 नंबर की गोटी से तीनों। इस तरीके से जो है टैबलेट कवर के तीनों बोल्टों को खोलेंगे 12 नंबर की गोटी से। उसके बाद जो है ये 10 नंबर की चाबी से ये रेडिएटर वाले बोल्ट को खोल लेंगे, हल्का ढीला कर लेंगे इसको। इस तरीके से इस बोल्ट को ढीला करने के बाद टैबलेट कवर को बाहर निकाल लेंगे। ये दोस्तों टैबलेट कवर जो है हमने बाहर निकाल लिया है, अभी हम जो है इसकी धुलाई करेंगे और इसका जो है टैबलेट पैकिंग भी चेंज करेंगे। टैबलेट पैकिंग लीक कर रहा था इस गाड़ी का। उसके बाद जो है वापसी पैप में तेल आने का कारण बताएंगे आपको। वापसी पैप में तेल आने का कारण जो है हमारा ये टैबलेट पत्ता होता है गाड़ी के अंदर, जिसको जो है हम गाड़ी के अंदर नया फिट करने वाले हैं। तो इसके टैबलेट का के पत्ते को जो है अभी खोल लेंगे पुराने वाले को इस तरीके से, पेचकस से दोनों पेचों को खोल लेंगे। उसके बाद टैबलेट पत्ता जो है हमारा बाहर आ जाएगा ये वाला। इस तरीके से जो है दोनों पेजों को खोलने बाद टैबलेट पत्ते को उसके बाहर निकाल लेंगे। और ये वापसी पैप में तेल दोस्तों हमारे जब आता है ये टैबलेट पत्ता जो है हमारा नीचे इस तरीके से दब जाता है, तो हमारी गाड़ी के अंदर जो है वापसी पैप में तेल आने लगता है। ये चीज़ जो है हमारे वापसी पैप की नीचे दब जाती है, ये ध्यान से देख सकते हैं आप सभी। इसी वजह से जो है हमारी गाड़ी के अंदर वापसी पैप में मोबाइल आने लगता है। चलिए दोस्तों अभी हम जो इसके टैबलेट कवर की धुलाई कर लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम इसके टैबलेट कवर के पत्ते को जो है नया फिट करेंगे टैबलेट कवर के अंदर। इस तरीके से जो है टैबलेट कवर को डीजल से बढ़िया तरीके से धो लेंगे। कोई भी काम दोस्तों जब भी आप लोग जो है गाड़ी के अंदर करेंगे तो उसको सफाई से ही करेंगे, धुलाई करने बात करेंगे तो वो काम जो है हमारा अच्छा होता है। गाड़ी के अंदर साफ करके काम करेंगे तो वो चीज़ जो है हमारी चलती भी ज़्यादा है। जिस काम को साफ करके करेंगे और गंदा फिट कर देंगे कोई भी आइटम को, तो वो आइटम जो है हमारा ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है, वो जल्दी ही बेकार हो जाता है आइटम हमारा, अगर गंदे आइटम को फिट करते हैं हम गाड़ी के अंदर। इसलिए जब भी कोई भी काम करेंगे तो बढ़िया तरीके से धुलाई करेंगे उसकी, उसके बाद ही जो है सफाई से काम करेंगे गाड़ी के अंदर, तभी जो है गाड़ी में हमारी जल्दी दिक्कत नहीं आती है अगर साफ करके काम करेंगे कोई भी तो। तो दोस्तों टैबलेट कवर जो है हमारा अभी धुलने वाला है। बाहर से तो धुल गया है हमारा टैबलेट कवर, अंदर रह गया है थोड़ा सा, वो भी धुलने वाला है हमारा टैबलेट कवर अंदर से। धोने के बाद जो है हम इस पर पानी मारेंगे बढ़िया तरीके से, उसी के बाद जो है इसके टैबलेट पत्ते को फिट करेंगे। चलिए दोस्तों इसके टैबलेट कवर पर जो है पानी मार लेंगे, डीजल से हमने बढ़िया तरीके से धो लिया है इसको। उसके बाद जो है मोटर से पानी मार लेंगे इस पर।
दोस्तों टैबलेट कवर जो है हमारा कंप्लीट ही धुल चुका है। अब इसके अंदर जो है हम ले चल के कपड़े से सफाई करने के बाद टैबलेट पत्ते को फिट करेंगे। ये दोस्तों टैबलेट कवर पे जो है हमने कपड़ा मान लिया है बढ़िया तरीके से। अब हम जो है इसके पैकिंग वाले फेस को साफ़ कर रहे हैं आरी के ब्लेड से, बढ़िया तरीके से इसके फेस को साफ़ कर लेंगे ताकि हमारे टैबलेट कवर का पैकिंग जो है लीक ना हो जाए। इस चक्कर में जो है टैबलेट कवर के फेस को बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके टैबलेट कवर में टैबलेट पत्ते को फिट कर लेंगे नए वाले को। ये टैबलेट पत्ते को जो है हमने लगा लिया है टैबलेट कवर के अंदर नए वाले पत्ते को। अब इसके दोनों पेचों को लगा लेंगे। इस तरीके से जो दोनों पेचों को लगा के टैबलेट कवर के अंदर टैबलेट पत्ते के दोनों को टाइट कर लेंगे चार मुंह के पेचकस से बढ़िया तरीके से। दोनों का एक ही उस पर डाल दूं? ये दोस्तों टैबलेट कवर के दोनों पेज जो है हमने टैबलेट पत्ते वाले टाइट कर दिए हैं बढ़िया तरीके से। अब जो है इसके टैबलेट कवर के पैकिंग पर ट्यूब लगा लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद पैकिंग को लगाएंगे इसके। ये दोस्तों पैकिंग पे जो हमने ट्यूब लगाने बाद जो है हेड के अंदर लगा दिया है पैकिंग को। अब जो है इसके टैबलेट कवर को लगाएंगे। अगले महीने छह तारीख इस तरीके से जो है इसके टैबलेट कवर को लगा लेंगे। टैबलेट कवर लगाने के बाद जो है तीनों बोल्टों को लगा लेंगे 12 नंबर वालों को। तीनों बोर्ड लगाने के बाद जो है 12 नंबर की घोटी से बोर्ड लगाने के बाद जो है अच्छी तरीके से जो है टाइट कर लेंगे 12 नंबर की घोटी से। अरे मेरे लिए भेजा तुम्हारा नाम क्या है? सही कह रहे हो तुम, वो लगाया दोनों के लिए भेजा तुम्हारे। दोस्तों टैबलेट कवर के बोर्ड जो हमारे कंप्लीट टाइट हो चुके हैं सारे। इसकी डाट लेकर नहीं, अब हम प्लेट में लगा हुई है इंजन की, इसकी टैबलेट कवर वाली डाट को लगा लेंगे। अब हम ये वाली डाट को लगा लेंगे। ये दोस्तों टैबलेट कवर के अंदर जो है हमने नई वाली डाट को लगा लिया है इंजन एंगल एंगल। डाट लगाने बाद जो है इसको प्लास से टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ध्यान से इस तरीके से जो है प्लास से बढ़िया तरीके से टाइट कर लेंगे ये वाली डाट को। अब इसकी टी की तार को लगा लेंगे इस तरीके से। टी की तार भी लग चुकी है दोस्तों हमारी। अब जो इसके टैबलेट कवर वाले कवर को लगा लेंगे प्लास्टिक वाले को। ये कवर को लगा लेंगे टैबलेट कवर के ऊपर इसके। ये दोस्तों कवर के बोर्ड भी जो है हमारे तीनों लग चुके हैं, अब इनको टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर वाले बोर्ड जो है हमारे दोनों टाइट हो चुके हैं, अब 12 नंबर वाले को टाइट कर लिया है हमने पानी से। तो दोस्तों काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का, और आज हमने आपको दिखाया कि बजाज मैक्सिमा गाड़ी का वापसी पैप का मोबलाई लाना बंद कैसे करते हैं, और आपको बंद करके भी दिखाया किस तरीके से क्या दिक्कत आती है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। चलो कर दोस्तों गाड़ी भी जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।